I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको लहंगा विद चोली बना करके दिखाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सामने बेल बटन को आप प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, या मेरा FB और Instagram पेज का जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। आप वहां से भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। और कोई भी आपका सजेशन हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप वो मुझे वहां पर पूछ सकते हो। और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गए हैं तो ऐसे में हमें बहुत सारी डिजाइनर ड्रेसेस की जरूरत होती है और वो भी अलग अलग। तो इसके लिए मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आई हूँ। जितनी भी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको डिजाइनर ड्रेसेस बनाना सिखाऊंगी और ये सारी ही पार्टी वियर होगी तो आप उसे देख करके सीख सकते हो। तो अगर हमें पार्टी वेयर ड्रेसेस खरीदनी होती है तो हम मार्केट से खरीद करके लाते हैं तो हमें एक दिक्कत ये होती है कि मार्केट से सेम ड्रेस दूसरे के पास भी हमें बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आप अगर किसी पार्टी में जाते हो तो वहां पर भी सेम ड्रेस आपको मिल जाएगी। और बनाने में हमारा फायदा ये रहता है कि वैसी ड्रेस केवल आपके पास होती है और किसी के पास नहीं होती है, तो ये फायदा हमारा बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ड्रेस है वो बिल्कुल यूनिक लगे, बिल्कुल अलग लगे और ऐसी ड्रेस किसी के पास हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी में बिल्कुल अलग से ड्रेस हो और हमारे जैसी ड्रेस किसी के पास ना हो और सबसे सुंदर ड्रेस हमारी हो और सबसे अलग हो। तो हम हमेशा यही कोशिश में रहते हैं कि बिल्कुल अलग सी ड्रेस हम पहन करके जाएं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं अलग से फैब्रिक लेती हूँ और उसी से मैं अपनी ड्रेस खुद बना करके तैयार करती हूँ और जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है और ऐसी ड्रेस किसी के पास नहीं होती है। तो अगर आप भी ऐसा ही चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखें और इसी तरह से नई नई ड्रेसेस बना करके पार्टीज में बिल्कुल ही अलग और बहुत ही सुंदर लग सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इसके लिए फैब्रिक लिया है और ये जॉर्जेट फैब्रिक है। ये पूरी साड़ी मैंने इसके लिए ली है, आप अलग से फैब्रिक भी ले सकते हो। ये 5 मीटर है और इसके साथ ही ये नीचे इसमें लेस लगी हुई थी, मैंने ये निकाल दी है और लहंगा बनाने के बाद मैं इसे नीचे इसमें लगाऊंगी अलग से। और अगर आपके पास नहीं है तो आप अलग से भी खरीद करके लगा सकते हो, ठीक। और इसके साथ ही ये दूसरा फैब्रिक है, ये सेंटून फैब्रिक है, ये भी मैंने 5 मीटर ही लिया है। और इसके साथ साड़ी के साथ ये था, ये ब्लाउज़ का कपड़ा है और आपको 1 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अलग से ले रहे हो ब्लाउज़ के लिए तो। और मैं ब्लाउज़ की वीडियो अलग से अपलोड करूँगी, इस वीडियो में आपको केवल लहंगा बनाना सिखाऊंगी। और आप उसका वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये हमारा सेंटून फैब्रिक है, ये भी 5 मीटर है और ये शाइनिंग वाला फैब्रिक होता है। और इसके साथ दूसरा कपड़ा मैंने जॉर्जेट का लिया है तो मैं इसके लिए आपको मेज़रमेंट देती हूँ। तो यहाँ पर लेंथ आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है। लेंथ यहाँ पर लहंगे की रहेगी 39 और वेस्ट है 28 और अब हमारी कमर है 28 तो कमर को हमें डिवाइड करना है 6.28 से। आपकी जितनी भी कमर हो आपको उसे 6.28 से ही डिवाइड करना है और फिर यहाँ पर आएगा 4.4। तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ आपको ये कटिंग किस तरह से करनी है। पहले मैं छोटे कपड़े पर आपको सिखाऊँगी। ये देखिए इस तरह से ये फुल फ्लेयर होगी हमारी। तो ये इस तरह से, जैसे मान लीजिए लंबाई में हमारा फैब्रिक है तो आपको एक बार ऐसे फोल्ड करना है अपना फैब्रिक, ठीक। और इसके बाद इसे हम दोबारा फोल्ड कर देंगे, ये हमें 2 फोल्ड कर देना है इस तरह से। ये हमारी लंबाई की साइड है, आप ध्यान से देखिए। और लंबाई की साइड से ये हमें ये इस तरह से
दो बार ऐसे फोल्ड कर देना है। तो जो हमारी साड़ी है उसे भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसमें अपने निशान लगाएंगे। तो अब आपको यहाँ से इस कोने से निशान लगाना है, ये जो हमारी बन साइड है, देखिए ये हमारी चारों तरफ से बन साइड है, तो हम इस इधर से निशान लगाना शुरू करेंगे। तो हमारा यहाँ पर कमर का आया था, मान लीजिए यहाँ पर 4.4 आया था हमारा, तो अब मैं आपको यहाँ पर निशान लगाने बताऊँगी। 4.4 पर यहाँ लगाएंगे और 4.4 पर ही हम यहाँ से नाप करके ऐसे लगा देंगे, ठीक। और अब बीच में से हम नाप करके लगाएंगे तो हमारा कर्व टाइप का हो जाएगा, इस तरह से ऐसे बन जाएगा। अब इसे हम मिला लेंगे, आपकी कमर जितनी भी हो आपको 6.28 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि ये हमारा फुल फ्लेयर है तो इसमें हम इसी तरह से निशान लगाते हैं। तो ये हमने निशान लगा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी बेल्ट रखनी है 1.5 इंच की, ठीक। आप अपनी जितनी भी बेल्ट रखना चाहते हो उतना छोड़ करके आप यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएं। तो यहाँ से हमें अपनी लंबाई का निशान लगाना है। अब हम बिल्कुल ऊपर कोने में पकड़ लेंगे इंची टेप और आप देखेंगे कि हमने निशान कहाँ तक लगाया है, ये देखिए। और फिर इसके बाद हम चारों तरफ नाप करके निशान लगा देंगे। इंची टेप हमें ऊपर ही रखना है कोने में, ये हमें नहीं छोड़ना है, और चारों तरफ हम अपना निशान लगा देंगे। जैसे हम अम्ब्रेला में लगाते हैं इस तरह से निशान लगा देंगे। अब इसे हम यहाँ पर मिला देंगे, ये हमने मिला दिया है। अब इसके बाद हम ये 1.5 इंच या 1 इंच या 1/2 इंच जितना आपको चाहिए उतना आप नीचे फोल्ड करने के लिए रख लीजिए और फिर इसे कटिंग कर दें। इस तरह से यहाँ से हम कट कर देंगे और फिर एक कटिंग हम यहाँ कर देंगे। ये बहुत ही आसान है बनाना, और इसमें जो हमारा घेर आता है वो बहुत ज़्यादा घेर आता है, तो बहुत ही अच्छे घेर का आपका ये लहंगा या स्कर्ट कुछ भी आप बनाओगे तो तैयार हो जाएगा। तो देखिए दो पार्ट में हमारा यहाँ पर इस तरह से ये बन करके रेडी हो जाएगा, ये इस तरह से, ये देखिए आप, ये ऐसे हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हम इसे बिल्कुल इस तरह से खींच करके फिर यहाँ पर बेल्ट लगा देंगे और साइड से सिलाई कर देंगे तो रेडी हो जाएगा, ठीक। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ यहाँ पर। अब ये देखिए हम इसे इस तरह से करेंगे, आप जब फुल फ्लेयर में बनाते हो तो आप इसे इस तरह से सीधी करोगे और यहाँ पर आप बेल्ट लगाओगे, ठीक। जब ऐसे करोगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, यहाँ से बीच से ये हमारी जो बीच वाली साइड है, ये देखिए जो ये कोने वाली साइड है ये हमारी सीधी रहती है, पर जो बीच वाली साइड है वो हमारी उसमें थोड़ा सा खिंचती है, तो हमारा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। स्कर्ट का आपका आप बनाओगे अभी तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो इसे सीधा करने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है इसमें, तो अगर हम बिल्कुल इसे सीधा करेंगे तो ये जो सीधी कोने की साइड है ये हमेशा सीधी रहती है, ठीक। और ये बीच की साइड भी सीधी रहती है, पर ये जो ये दोनों साइड, ये देखिए यहाँ पर हमारा ओरेब आ जाता है, तो ओरेब वाली साइड खींचती है, इसलिए यहाँ पर हमारा कपड़ा बड़ा हो जाता है और हमारी स्कर्ट टेढ़ी मेढ़ी नज़र आती है जब हम अपना कपड़ा कट करते हैं, तो इस वजह से ये दिक्कत होती है। ये देखिए बीच में से यहाँ से खींच रहा है दोनों साइड से, जबकि और साइड से नहीं खींच रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये इस तरह से पकड़ना है ऊपर से, आप इस तरह से 3-4 तय कर लीजिए ऐसे कपड़े की, और फिर इसमें आप पिन लगा दें ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए, ठीक। और फिर नीचे से जो टेढ़ा मेढ़ा है उसे आप कट कर दें। अगर आपने इस तरह से स्कर्ट बनाई है, लहंगा बनाया है या आपने सूट बनाया है आपने, तो उसमें आपको पता होगा नीचे से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो वो जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे आप कट कर दें। ये वाली कोने वाली साइड आपको कट नहीं करनी है, ये वाली साइड, ठीक, इसका आपको ध्यान रखना है, और दूसरी साइड भी, और केवल ये जो बीच की साइड है, ये जो बाहर निकला हुआ हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ, केवल वो ही हमें कट करना है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, कोने की साइड को आपको कट नहीं करना है, चाहे तो आप इसे अलग से कर लें और फिर बीच में से इसे थोड़ा थोड़ा कट कर दें, क्योंकि ओरे वाली साइड हमारी खींचती है तो इसलिए वो लंबी हो जाती है। तो देखिए अब ये बिल्कुल ऐसे बराबर हो जाएगा, और अब आप सीधा करोगे तो हमारी जो लहंगा है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉपर ये शेप में आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो तो आपको इस तरह से करना होता है, आप स्कर्ट बनाएं या फिर लहंगा बनाए तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। ये दोनों साइड हमारी ओरेब की होती है बीच में से, और दोनों साइड से हमारा कपड़ा नहीं खींचता है, वो ओरेब वाला नहीं होता है ये वाला, ठीक। ये एक इधर
और ये बिल्कुल सेंटर में और इस साइड। आप कभी कपड़ा खींच के देखोगे इस तरह जब बनाओगे, नहीं खींचेगा, केवल दो साइड से ही खींचेगा। तो वहाँ से आपको क्या करना है, हल्की सी कटिंग दे देनी है और ये बिल्कुल बराबर कर लेना है। अगर आपने इस तरह से कुर्ती भी बनाई है तो उसके साथ भी आपको ऐसे ही करना है, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपकी नीचे का घेर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमें सीधा करना है और इसमें हम बेल्ट लगा देंगे और दोनों साइड से इसे जोड़ देंगे, सिलाई कर देंगे, ठीक। और साइड में हम ज़िप लगा देंगे, और क्योंकि हम इसमें ज़िप लगाएंगे, ज़िप लगा करके बनाएंगे, तो इसलिए हमें बिल्कुल नाप उतना ही लेना है जितनी हमारी कमर का है, ठीक। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ दोनों साइड आपको सिलाई कर देनी है। अब यहाँ पे दोनों कोने की साइड से आपको कम से कम एक एक इंच एक्स्ट्रा रखें आप, या आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रखें तो ठीक रहता है, आप एक्स्ट्रा ले लें इसमें। बाकी हमें उतना ही रखना है, केवल ये कोने की साइड से आपको रखना है, क्योंकि खिंचता नहीं है और ये सिलाई होता है तो थोड़ा खिंच के ऊपर हो जाता है, तो आप इसमें हाफ हाफ इंच या वन वन इंच एक्स्ट्रा ले लें, ठीक। अब इसी तरह से मैं आपको कपड़े पर बताऊंगी निशान लगा करके। ये मैंने फोर फोल्ड करके कपड़ा रख दिया है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, बिल्कुल उस तरह से। तो हम इस कोने से अब यहाँ पर निशान लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए, इस कोने से हमारी चारों तरफ से बंद साइड है और यहाँ से हमें निशान लगाने हैं। आप ध्यान से देखिए आपको किस तरह से कपड़ा रखना होता है, कैसे निशान लगाने होते हैं। अब हमारा जो कमर है 28 है, आपकी कुछ भी कमर हो, 30 हो, 34 हो या कुछ भी हो, आपको उसे डिवाइड करना है 6.28 से, ठीक। कितना भी आए उसे आपको 6.28 से ही डिवाइड करना है, और फिर यहाँ पर जो आएगा उसका आपको यहाँ पे निशान लगाना है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है सिलाई के लिए, आप देखना, मैंने स्विंग अलाउंस के लिए यहाँ पर कपड़ा नहीं लिया है अलग से, मैंने जितना हमारा है प्रॉपर उतना ही लिया है, मैंने अलग से इसमें ऐड नहीं किए हैं। वो इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि जब हम इसे खींच करके इसमें बेल्ट लगाएंगे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा एक्स्ट्रा इसी में से निकल जाएगा, ठीक। ये आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने 4.4 पर निशान लगाया यहाँ पर, और जब मैं इसे सिलूंगी तब आपको दिखाऊंगी कि एक्स्ट्रा भी निकल जाएगा इसमें सिलाई के लिए भी। अब हमें बेल्ट लगानी है 1.5 इंच की, आप जितनी भी इंच की छोड़ना चाहो तो उतना इंच आपको छोड़ना है, और यहाँ पर फिर आपको लेंथ का निशान लगाना है। तो ये हमारी लेंथ का हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, 39 हमें लेंथ रखनी है। तो उसमें हमें क्या करना है, हाफ इंच हम ऊपर का ले लेंगे क्योंकि सिलाई करते ऊपर जाएगा सिलाई में, ठीक। और नीचे की साइड से मैं इसमें ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि मैं अंदर हाफ इंच ही फोल्ड करूँगी, तो केवल 1 इंच मैं एक्स्ट्रा इसमें ले लूँगी नीचे सिलाई के लिए, ठीक। ये हमारा निशान हो गया है। अब इसके बाद हम दूसरी साइड भी इसी तरह से लगा देंगे निशान अपनी। हम यहाँ पर बेल्ट का छोड़ करके, आपको 1 इंच लेना है, 1 इंच की बेल्ट बनानी है या 1.5 इंच की बेल्ट बनानी है, वो आपकी इच्छा है यहाँ पर। अब यहाँ दूसरी साइड भी हम इसी तरह से निशान लगा देंगे। तो दूसरी साइड भी मैंने इस तरफ निशान लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, इंची टेप आपको कोने पर रखना है ऊपर की साइड, जैसे मैंने आपको कपड़े में बताया, बिल्कुल उस तरह से आपको करना है। अब यहाँ से कोने की साइड से हमने हाफ इंच वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, मैंने आपको बताया था कोने की साइड से दोनों साइड हाफ हाफ इंच आप एक्स्ट्रा ले लें जितना भी आपने निशान लगाया, केवल कोने में लेना है हमें, बीच में नहीं लेना है, ठीक। अब यहाँ से इस तरह से हम ऊपर से पकड़ेंगे और नाप लेंगे और फिर चारों तरफ हम निशान लगा देंगे, ठीक। मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ, ये आपको कोने पर पकड़ना है बिल्कुल ऊपर तक, फिर हमें नाप लेना है और फिर इस तरह से चारों तरफ हम निशान लगा देंगे इसमें। ये इस तरह से हम निशान लगा देंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसमें निशान लगा दिए हैं। अब आपको मैं ये डार्क करके दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ये ऐसे मैंने इसमें निशान लगा दिए हैं, और आपको भी इसी तरह से निशान लगा लेना है। ये हमारा बहुत ही अच्छा घेर वाला लहंगा बन करके रेडी होगा। तो आप ये देखिए, ये इस तरह से ये हमारा ऊपर से यहाँ पर हम बेल्ट लगा देंगे। अब जब इसे सीधा करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमारा, ये देखिए काफ़ी अच्छा हमारा, ये हमारी सिलाई के लिए भी इसी में से निकल जाएगा हमारा, देखिए आप, ये देखिए।
तो काफ़ी अच्छा आ जाएगा यहाँ पर घेर, क्योंकि इसमें कर्व होता है, तो हम इसे जब खींचेंगे तो हमारा इसमें सिलाई के लिए भी दोनों साइड निकल जाएगा, तो हमें दिक्कत नहीं होती और हमें इसमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है सिलाई के लिए। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, अब ये कपड़ा है, अब इसके ऊपर हमें ये देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड से हमें ऐसे फोल्ड करना है, प्लेट्स बना लेनी है जैसे मैंने आपको बताया था। अब जो टेढ़ा मेढ़ा नीचे कपड़ा आएगा उसे हम कट कर देंगे, ये बीच में आता है तो वो ओरेप की साइड होती है हमारी, इसलिए हमारा कपड़ा ये देखिए आप टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा यहाँ से, तो ये जो ये बीच में आया है इसे हम कट कर देंगे। ये आपको ध्यान से कट करना है, सारी तरफ से आपको ये कट नहीं करना है, केवल बीच बीच की साइड से ये हमारा थोड़ा सा बढ़ा हुआ कपड़ा होगा उसे कट करके हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया उसी तरह से आप ये कट कर दें। तो देखो कोने की साइड से ये ऊंचा उठा हुआ है और बीच की साइड से ये बढ़ा हुआ है, तो केवल बीच की साइड से आपको ये कट करना है। और आप ये किसी भी फैब्रिक से लहंगा बना सकते हो। ये आपको थोड़ा ध्यान से कट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा है वही आपको कट कर देना है। तो ये मैंने कट कर दिया है और ये कुछ इस तरह से हमारा कपड़ा दिख रहा है। ये हमारे दो पार्ट है, एक हमारा आगे के लिए हो जाएगा और एक हमारा पीछे के लिए हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से हमें जो इसके नीचे हम लाइनिंग लगाएंगे वो हमें कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया है, ये हमारा सेंटून का फैब्रिक है और ये शाइनिंग वाला होता है और इसी तरह के कपड़े हम नीचे के लिए इसमें यूज़ करते हैं। तो ये देखिए ये भी दो पार्ट में हमने इस तरह से कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए आप, अब हमें दोनों साइड से इसे सिल देना है। ठीक, और इसी तरह से हमें दूसरा वाला कपड़ा भी सिल देना है, दोनों साइड से हम इसे जोड़ लेंगे सिलाई करके। अब ये वाला जो फैब्रिक है इसमें भी मैंने आपको बताया, जैसे इसमें हम दोनों साइड ये देखिए पूरी में सिलाई कर देंगे, इसी तरह से हम दूसरे फैब्रिक में भी कर देंगे और ये दोनों फैब्रिक तैयार कर लेंगे और फिर हम बेल्ट की साइड से इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे कोने की साइड है ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये हम नाप करके निशान लगा लेंगे, सेंटर से नापेंगे हमें कितना चाहिए, हमारी कमर 28 है तो 28 का हम फोर्थ भाग करेंगे और उस हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा हमारा ये सिलाई के लिए हमारा साइड में रह गया है और अब यहाँ पर हम अपनी फिटिंग के निशान लगा देंगे। और क्योंकि ये हमारी हम इसमें ज़िप लगाएंगे तो हमारी कमर का बिल्कुल जो आपका बिल्कुल एक्यूरेट जो आपका नाप होता है उतना ही आपको लेना है, एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना है। एक्स्ट्रा हम उसके लिए लेते हैं जब हम इसमें इलास्टिक डालते हैं, तो इसका आपको परफेक्ट अपना नाप ही लेना होता है। अब दूसरी साइड से भी आप नीचे तक इसे सिल दें, यहाँ से और यहाँ से नीचे तक आप सिलाई कर दोगे जब दोनों साइड में, तो उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा वाला जो फैब्रिक है वो भी आपको बिल्कुल इसी तरह से सिलाई करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए ये वाला जो हमारा फैब्रिक है ये भी हमने इसी तरह से दोनों साइड से सिल करके रेडी कर लिया है, नाप इनका दोनों का सेम ही है। अब सेंटर पे आपको ज़रूर निशान लगाना है ताकि आप अपना कमर का निशान लगा सको इसमें नाप करके। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों फैब्रिक को एक साथ जोड़ लेना है, अस्तर को भी और जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे भी। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये मैंने सीधा किया हुआ है और अब ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है, ये हमारी उल्टी साइड है। ठीक, आप वैसे तो सीधी की साइड को सीधी साइड से जोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये आपको इसके अंदर इस तरह से डाल देना है और फिर ऊपर की साइड से हम बेल्ट की साइड से इसे पकड़ेंगे और सिलाई वाली साइड को सिलाई वाली साइड से हम इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए सिलाई वाली साइड को ऐसे हम सिलाई वाली साइड से मिलाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इसे बिल्कुल रेडी कर लेंगे। चारों तरफ हम इसकी सिलाई लगा लेंगे और दोनों पार्ट को हम एक साथ अटैच कर देंगे। और आपने देखा मैंने एक्यूरेट इसमें नाप लिया था 4.4 और फिर भी मुझे इसमें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सिलाई के लिए हमारे पास इसमें से कपड़ा रह गया है, निकल गया है। तो अगर आप इस तरह से
इसमें निशान लगाओ तो आपको सिलाई के लिए अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तब हम यहाँ क्या करेंगे, अब इन दोनों कपड़ों को हमें ऐसे पकड़ना है और इसमें सिलाई लगा देनी है चारों तरफ इसके, और इसे तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमने इसमें सिलाई कर ली है और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। दोनों पार्ट को हमने एक साथ अटैच कर लिया है। अब एक साइड से जहाँ पर हमें ज़िप लगानी है वहाँ पर हम सिलाई थोड़ी सी निकाल लेंगे। जितनी लंबाई तक आपको इसमें ज़िप लगानी है, जितना रखना है उतना आपको ये सिलाई निकाल लेनी है। ठीक, और उसके बाद हम इसमें ज़िप लगाएंगे साइड में। तो ये देखिए, ये हमारी बेल्ट के लिए मैंने दोनों फैब्रिक कट कर लिए हैं। लंबाई आपको क्या करना है, जितनी आपकी टोटल कमर है उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है लंबाई। और ये जो चौड़ाई है ये आप देखिए 1.5 इंच की हमें तैयार रखनी है अपनी बेल्ट। तो हमें यहाँ पर उसका डबल मतलब 3 इंच और फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, क्योंकि हाफ हाफ इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में जाएगा तो इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आपको जितनी बेल्ट रखनी है उसका डबल और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा। ठीक, उस हिसाब से आपको यहाँ पर रखना है जब हम इसे फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम इसे नापेंगे तो 1.5 इंच हमारा ये रेडी हो जाएगा और ये हाफ हाफ इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। तो हमारी परफेक्ट 1.5 इंच की हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी। ठीक, तो अब इन दोनों का हम एक साथ अटैच कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे इसके हम चारों तरफ और इसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसके चारों तरफ सिलाई कर दी है और हमारी ये बेल्ट कुछ इस तरह से रेडी हो गई है। अब ये हमारा लहंगे का जो पार्ट है, अब ये मैंने सिलाई इसमें से निकाल ली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम इसमें निशान लगा देंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पर देख लेना है 7 इंच पर मैं यहाँ पर ये निशान लगाऊंगी। 7 इंच तक ये मुझे सिलाई निकालनी है, 1.5 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, हमें इस तरह से इसे कपड़े को पकड़ना है और ये हम बेल्ट इस तरह से जब इसके साथ अटैच करेंगे ऐसे, ये हमारा लहंगे के साथ जब हम अटैच करेंगे ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी हमारी बेल्ट और ये बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगी। ठीक, इस तरह से हमें इसमें अटैच करनी होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हम इस साइड पकड़ेंगे इसके और फिर इसमें सिलाई लगा देंगे। उल्टी साइड मैंने ये पकड़ा है और इसमें इस तरह से सिलाई लगा दी है। आप चाहें तो इसमें पहले ज़िप लगा ले और फिर इसमें बेल्ट ऐड जोड़ सकते हो। तो यहाँ हमने इस तरह से सिलाई लगाई इसमें। अब इसे ऐसे हाफ इंच अंदर फोल्ड करेंगे, इसे हम ऊपर करेंगे और इसमें इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी बेल्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब ये नीचे की साइड है, यहाँ पर भी हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारी है ये हमारी लेस जो हमने रखी है, निकाल दी थी मैंने पहले साड़ी में, नीचे बॉर्डर में लगी हुई थी, बॉर्डर है तो उसे हम क्या करेंगे, ये हमने हाफ इंच ऐसे फोल्ड किया है। यहाँ से हाफ इंच मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। अब इसे मैं इसके ऊपर ऐसे रखूँगी इस तरह से और फिर इसमें सिलाई लगा दूंगी। ये अंदर की साइड मैं फ़ोल्ड करूंगी इसलिए मैंने केवल नीचे हाफ ही इंच एक्स्ट्रा लिया था, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। हाफ इंच ऊपर के लिए फ़ोल्ड हो जाएगा और हाफ इंच नीचे के लिए। तो अब इसे मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूंगी और इसमें सिलाई कर दूंगी। एक सिलाई में नीचे अटैच करूँगी और एक सिलाई में ऊपर लगा दूंगी और इसे पूरी ये बॉर्डर हमारी नीचे की रेडी हो जाएगी। अगर आप प्लेन फैब्रिक ला करके तब बनाना चाहते हो तो आपको अलग से लेना पड़ेगा। साड़ी से मैं इसलिए बना, मेरे पास रखी हुई थी और ये बड़ी सुंदर सी साड़ी थी तो मैंने सोचा कि इससे मैं लहंगा तैयार करती हूँ और ये थोड़ी सस्ते में भी बन जाती है इस तरह से अगर हम साड़ी से तैयार करते हैं, क्योंकि लेस अलग से लाते हैं तो बहुत महंगी पड़ जाती है। तो अगर आपके पास थोड़ी हैवी साड़ी रखी हो तो आप उससे लहंगा तैयार कर सकते हो। तो देखिए, मैंने इसमें इस तरह से दोनों साइड सिलाई कर दी है। अब मैं आपको ज़िप लगाना बताती हूँ कैसे लगाएंगे ज़िप। नीचे से रेडी हो गया है हमारा लहंगा। अब यहाँ से ये देखिए आप, यहाँ से हमने इस तरह से ये थोड़ी सी मैं यहाँ पे सिलाई निकालूंगी। ये आप निशान लगा ले अच्छे से कि आपको कितनी फिटिंग चाहिए। हमारी जो कमर का नाप है आप एक बार वो ठीक से निशान लगा ले ताकि हमारी फ़िटिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, मैंने हल्की सी यहाँ पर सिलाई लगा ली है। वैसे आप ज़िप लगाने के बाद ही ऊपर बेल्ट लगाए तो भी बहुत अच्छा रहता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने ये निशान लगा लिया है हमारी फ़िटिंग का और ये हमारा एक्स्ट्रा है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें
अपनी ज़िप लगानी है। तो ज़िप आपको इस तरह से लेनी है। अब ये देखिए 7 इंच पर मैंने कहा था आपको कि हम निशान लगाएंगे, 7 इंच तक हम यहाँ पर अपनी ज़िप लगाएंगे। तो ये हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ऐसे आप निशान लगा ले यहाँ पर और फिर ऐसे फोल्ड कर दें। ये जो एक्स्ट्रा का हमारा कपड़ा है, आपका जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा हो आपको उसे ऐसे फोल्ड कर देना है। और ये दूसरी साइड भी आपको इसी तरह से, ये जो हमने निशान लगाया हुआ है इसे हम ऐसे अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और फिर ये हमारे पास जो ज़िप है, ये आप देखिए इस तरह की मैंने ज़िप ली है इसके लिए। तो इसे हम, ये हमारी सीधी साइड है ज़िप की, इसे हम अंदर की साइड ऐसे रखेंगे। यहाँ पर हम अपनी पिन लगा लेंगे और इस तरह से कपड़ा हम अपना फोल्ड करेंगे ये, और इस तरफ से भी हमें इस तरह से करना है। और इसमें आप पिन लगा लें या फिर आप इसमें कच्ची सिलाई लगा सकते हो सुई धागे की मदद से, ताकि आपकी ये बिल्कुल अटैच हो जाए, ये टेढ़ी मेढ़ी ना जाए, हिले ना, ठीक, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने इसमें इस तरह से पिन लगा ली है और अब इसके बाद इसमें मैं सिलाई कर दूँगी। तो यहाँ से आपको सिलाई करनी है, साथ में मैं इसमें से पिन निकालती रहूँगी। पिन के ऊपर ना आप चढ़ाएं सिलाई, वरना फिर हमारी जो सुई है वो टूट जाएगी। तो ये साथ साथ में ये आप निकाल करके इसमें सीधी सीधी सिलाई लगाते रहिए। और सिलाई लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल कोने कोने में आप सिलाई लगाएं, और ज़्यादा अंदर तक आपको सिलाई नहीं लगानी है, वरना आपकी ये ज़िप खुलने में दिक्कत होगी। अब आपको क्या करना है, नीचे तक आपको सिलाई लगानी है यहाँ तक। अब इसे हम इस तरह से, जैसे हम चाक बनाते हैं अपनी कुर्ती का या सूट का, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर हमें ऐसे ये फोल्ड करना है, सिलाई करनी है सीधी। अब दोबारा हम यहाँ पर रोकेंगे और फिर इसे इस तरह से घुमा देंगे कपड़े को, और अब दूसरी साइड भी हम सीधी सीधी इसमें सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर आपको कपड़ा ध्यान रखना है कि कपड़ा एकदम टच हो, हमारी ये ज़िप दिखाई ना दे ऊपर की साइड, कपड़ा बिल्कुल ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब ये हमारी ज़िप ऐसे खुल करके इस तरह से हो जाएगी। और ये जो एक्स्ट्रा का है इसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारी ज़िप लग करके बिल्कुल रेडी हो गई है। ज़िप लगाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम इसे सिलाई कर देंगे। जो हमारा ये एक्स्ट्रा हमने थोड़ा सा निकाल दिया था सिलाई, इसे हम पूरी सिलाई कर देंगे। और जो हमारी बेल्ट है वो हमने, जितनी हमारी कमर है उसे हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, 1.5 इंच आप ज़्यादा ले लें, क्योंकि अंदर हम अब फोल्ड करेंगे। तो ये आपको इस तरह से, ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, आप 1/2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हो दोनों साइड, या 1-1 इंच भी ले सकते हो। अब एक सिलाई आपको इस तरह से इसमें सीधी लगानी है, फिर 1/2 इंच हम ऐसे करेंगे फोल्ड, और फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसमें फाइनल सिलाई लगा लेंगे, और ये हमारी बेल्ट बन करके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारी ज़िप भी रेडी हो गई है। अब इसमें आप अपनी बेल्ट के अंदर कोई भी आप डोरी डाल सकते हो, उसमें आप कुछ भी सुंदर सा डेकोरेशन के लिए लगा सकते हो। तो ये हमारा लहंगा तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। देखने के लिए धन्यवाद।